Namaste. So August is here and it's time for August 2023 prediction. So in this reading we have three piles. Hamare paas pile 1 is pink, pile 2 is purple and pile 3 is yellow. तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है. तीनों पाइल्स में मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू. एंड आज की रीडिंग में मैंने एक तो हमारे टीली फॉर्चून कार्ड यूज़ करें, एक हम एस्ट्रो डाइस से देखेंगे और हमारे पास हैं स्टोरी क्यूब्स. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. सो इस रीडिंग में एक आप कह लो फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड एंड फन रीडिंग है फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. जो भी मैसेजेस आप सुनने की ज़रूरत है आपको वो सब आपको मिलने वाले हैं इन दिस रीडिंग. एंड इस रीडिंग के लिए आपको बेसिकली एक पाइल सेलेक्ट करनी है इन तीनों में से. आगे एक क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. वंस यू डन विद द सिलेक्शन यू कैन चेक योर टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो. स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एन्जॉय द रीडिंग. अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ तो कोई बात नहीं, आप दो पाइल्स को देख सकते हैं. हो सकता है दोनों में ही आपके लिए मैसेजेस हों और हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन मैसेजेस हों जिस पर आप ज़्यादा जोर लगाएं. ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड आई एम श्योर दिस रीडिंग विल हेल्प यू आपके अगस्त को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ई मेल आई डी. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. प्लीज़ जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं वहीं पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा. अगर आपको कॉमेंट सेक्शन में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स दे रहे हैं ऑफ व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं दैट इज़ अ स्कैम. प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग. पाइल वन जिनको चुना है द पिंक स्टोन. लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू फॉर ऑगस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आपके टीलिप फॉर्चून कार्ड्स. सो वी हैव फ्लूट, वी हैव रैट एंड वी हैव क्राउन. साथ साथ ही हम एस्ट्रो डाइस भी शफल कर लेते हैं. पाइल वन, सो पाइल वन ऑगस्ट 2023 मैसेजेस. पाइल वन, ओके, तो वी हैव सन, वी हैव फिफ्थ हाउस एंड वी हैव जेमिनी. सो डेफिनेटली सन एंड फिफ्थ हाउस एंड देन हमारे पास ऑनर एंड रिस्पेक्ट भी है विद क्राउन. आई सी सम स्टेटस थिंग हैपनिंग. स्टेटस मतलब जैसे आपको कोई स्टेटस अपलिफ्ट हो रहा है, किसी को कोई प्रमोशन मिल सकती है, कोई ऑनर मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ तरह का रिकग्निशन मिल सकता है. आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, आपका रिकग्निशन बढ़ रहा है. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो दिस रॉयल्टी काइंड ऑफ एनर्जी एंड आपकी एनर्जी में भी एक रॉयल्टी आ रही है. एंड यू नो सन एनर्जी इज ऑल्सो अगेन दिस रॉयल एनर्जी. एंड देन वी हैव फिफ्थ हाउस एनर्जी विच इज ऑल्सो सिमिलर टू लियो एनर्जी, अगेन वेरी किंग लाइक रॉयल एनर्जी. आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है काफ़ी फैंसी हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, रॉयल हो रहा है. ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर कमिंग टू यू. स्पेशली अगर आपको अभी तक लगता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, लोग आपको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जैसे यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड. सो दैट इज़ हैपनिंग इन ऑगस्ट फॉर यू. एंड इट्स फनी बिकॉज ऑगस्ट इज एक्चुअली लियो मंथ. सो इट्स लाइक हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लियोज हों. हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लियोज एंड वर्गोज भी, ऑफ कोर्स वर्गोज भी बिल्कुल. सो वी ऑल्सो हैव जेमिनी. सो जेमिनी से मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है इन ऑगस्ट. सो एस्पेशली विद द फिफ्थ हाउस इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, कुड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम पैशनेट कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, रोमांटिक कम्युनिकेशन, पैशनेट कम्युनिकेशन हो रहा हो सकता है. ठीक है, बट यू हैव सन. तो सन एनर्जी इज शोइंग कि ये बहुत ओपनली हो रहा है, ओपनली हो रहा है, ऐसे बहुत छुप छुपा के या बहुत कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर एनर्जी में. इट्स क्वाइट क्लियर, इट्स क्वाइट बोल्ड एंड इट्स क्वाइट ओपन और काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन फ्लो ऑफ एनर्जी. हो सकता है आप
आपको ऐसा लगे कि काफ़ी लोग आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑगस्ट, या आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं इन ऑगस्ट, ऐसा आप बहुत लोगों के साथ हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव रैट एंड फ्लूट। तो रैट एंड फ्लूट से मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दे आर वर्किंग बिहाइंड योर बैक, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि हो सकता है क्योंकि आपको इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है, यू वर्किंग इन द लाइट इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज़ ना पसंद आ रही हो, और ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके हिसाब से आपके बहुत करीब हैं। यू नो दे आर नॉट जस्ट जनरल पब्लिक पीपल, बट पीपल हु यू नो वेल। ठीक है, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्लोज रिलेशनशिप में भी कोई हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, सो बी केयरफुल समवेयर। बट आई फील दैट विद द सन जेमिनी एंड फिफ्थ हाउस एनर्जी, आपको कोई हार्म नहीं है उस चीज़ से, इट्स जस्ट दैट कि आपको बस इस बारे में अवेयर किया जा रहा है। से या सो दैट वॉज द मैसेज। नाउ लेट्स सी जनरल मैसेजेस फॉर यू, ओवरव्यू कि ऑगस्ट आपके लिए कैसा रहेगा। सो वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। सो विद द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आई डेफिनेटली सी सम ट्रैवल, स्पेशली सम फॉरेन ट्रैवल, शिफ्ट ऑफ प्लेस, लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी फॉर लॉट ऑफ यू ऑल। ठीक है, एंड एक्सपेंशन, डेफिनेटली एक्सपेंशन, बेसिकली यू क्लाइंबिंग अप अगेन। यहाँ पे शी इज़ क्लाइंबिंग द लैडर अप, एंड उसमें भी क्राउन में भी आते हैं, जैसे कुछ लेवल अप हो रहा है आपका, कुछ रिस्पेक्ट मिल, सबका ओहदा बढ़ रहा है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, तो इट्स लाइक यू गोइंग अप। ठीक है, एक वर्टिकल ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पर, एंड एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे, एंड फाइनली नाउ थिंग्स हैव कम टू एग्जीक्यूशन। एंड विद द वर्ल्ड आई ऑल्सो सी दैट कि अब चीज़ें एक कंप्लीशन पे आ रही हैं। ठीक है, जो भी आपके चीज़ें यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, देर ऑल कमिंग टू कंप्लीशन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको डेफिनेटली फील होगा इन ऑगस्ट। इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मंथ फॉर यू। ठीक है, अब सक्सेसफुल आई फील वैसे तो इन ऑल रिगार्ड्स, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स से एक आई फील लाइक एक ब्रॉड व्यू पिक्चर मिल जाती है, एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक एब्सोल्यूट कंप्लीशन, तो एक एब्सोल्यूट सक्सेस वाला एनर्जी है। आई ऑल्सो सी दैट विद द किंग ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। इमोशनली आप काफ़ी सिक्योर, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी एट प्लेस फील करेंगे, एंड ये जो सक्सेस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी और काफ़ी सिक्योर बनाएगी। ऑल्सो सी दैट कि यू आर द काइंड ऑफ पीपल, यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, यू वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, तो आई फील दैट कि यू आर गोइंग टू फील वेरी प्रोटेक्टेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। द वर्ल्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग के लिए यू नो इट्स लाइक कि आपका बहुत कुछ बहुत लॉन्ग वेट, आपका कोई बहुत लॉन्ग वेट जो है वो ऑगस्ट में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इट कुड बी अबाउट एनी थिंग बाय डियर्स, इट कुड बी अब एनी थिंग एंड इवन एवरीथिंग। ठीक है, पर काफ़ी लोगों के लिए इट हैज़ टू डू विद योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कोई आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट हो जाता है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि एक कंप्लीशन पे आ रहा है, एक यू नो फ्रूशन पे आ रही हैं चीज़ें। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पर लिटिल द वर्ल्ड में इस वाले कार्ड में दो एक कपल है, यहाँ पर दो लोग हैं, कपल है, तो आई ऑल्सो फील सम इमोशनल इंटीमेसी हैपनिंग ओवर हर। बट इन द वर्ल्ड एनर्जी इज़ लाइक दिस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एनर्जी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इस एनर्जी में, इट्स नॉट लाइक ऐसे कन्फ्यूजन वाला कनेक्शन। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, और उसको रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिल रहा है इन द सोसाइटी, उसको एक स्टेटस मिल रहा है, एक लेबल मिल रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल, येस। सो बट डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम रिकॉग्निशन, लेबल, सम रिवॉर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि आपको इमोशनली बहुत सिक्योर बनाएगा और आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, एक सेंस ऑफ कम्प्लीशन देगा अपने अंदर से, येस। अगर आप अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड हैं, इट इज़ हैपनिंग इन ऑगस्ट फॉर यू। ठीक है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर द इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2023। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इन ऑगस्ट। सो वी हैव फुल मून इन टॉरस एंड द सन। ओके, वी हैव द सन अगेन। सो अगेन लाइक आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड फुल मून इन टॉरस। तो आपके जो प्लानिंग है,
आपके जो प्लान्स हैं वो फ्रूएशन पे आ रहे हैं. एंड टॉरस एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मटीरियल मटीरियल गेंस हो रहे हैं यहाँ पर. सो मटीरियली आप काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी लोग लगता है आपका लाइफ स्टाइल फैंसी हो रहा है ऑगस्ट में. लाइक यू नो प्रॉब्ली लाइक अपग्रेडेड लाइफ स्टाइल और जस्ट यू गोइंग टू बी सराउंडेड बाई पीपल जो कि आपसे हाई लेवल के लोग हैं या यू नो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, फेमस पीपल मे बी, और यू आर गेटिंग फेमस. येस, बट डेफिनेटली आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो प्लान्स हैं वो फ्रूटफुल हो रहे हैं, अब फ्रूशन पे आ रहे हैं अब. येस, एंड फुल मून है तो अगेन देयर इज दिस फ्रूशन, देयर इज दिस एंडिंग, देयर इज दिस कम्प्लीशन वाला एनर्जी इन ऑगस्ट, कि थिंग्स आर गेटिंग कम्प्लीटेड इन ऑगस्ट. हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करो जो ऑगस्ट में कम्प्लीट हो रहा है, जिससे आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा. येस, एंड इवन फैमिली लाइफ में भी आई फील सम रिकॉग्निशन, सम स्टेटस इज कमिंग फॉर यू. ठीक है, बट वेरी ब्लेसिंग इज़ वेरी सेट इन स्टोन, ब्लेसिंग इज़ वेरी क्लियर. ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ब्लेसिंग अट्रैक्ट होगी, ब्लेसिंग तो कैसे भी अट्रैक्ट होगी. ब्लेसिंग की एनर्जी आपकी बहुत क्लियर है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर यू. फॉर चैलेंज वी हैव न्यू मून इन पाइसेस एंड वी ऑल्सो हैव द मैजिशियन. समवेयर आई फील दैट चैलेंज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए फोकस करना. फोकस करने का मतलब है कि कुछ कहीं बड़ी ना एक सेल्फ डाउट वाली एनर्जी आ सकती है आपके अंदर. ठीक है, एक डाउटिंग एनर्जी, एक बिकॉज ऑफ योर फियर्स. बिकॉज विद द मैजिशियन आई फील दैट कि यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रिएट द लाइफ यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ. बट आपके अपने इंटेंशन जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना इंटेंशन क्लियरली सेट करो बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट. ठीक है, तो इंटेंशन में मेडिटेशन मतलब चैलेंज में मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का मतलब ये है कि यू नो स्पाइसेस एनर्जी इज बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड इज अ चैलेंज. सबकॉन्शियस माइंड को एक आपको उसकी एनर्जी चैनलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट. आपके इंटेंशंस क्लियरली सेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने इंटेंशंस आउट ऑफ फियर सेट कर रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो दैट आपके जो अंदर से डिज़ायर्स आ रहे हैं या आप जो इंटेंशन पुट इन कर रहे हो, आप जो सोच डाल रहे हो, जो थॉट डाल रहे हो, वो आउट ऑफ फियर नहीं है बट आउट ऑफ फेथ, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है. एंड यू नो इट्स ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक कि पुश योर सेल्फ टू ड्रीम बिग. ठीक है, अपने गोल्स को बड़ा करो, छोटे में सेटल मत हो आउट ऑफ फियर. एंड यू शुड नो दैट यू आर हील्ड. ठीक है, देयर इज़ नो मोर हीलिंग रिक्वायर्ड क्योंकि कंप्लीशन आ गया है, बिल्कुल कंप्लीशन आ गया. बट न्यू बिगिनिंग में चैलेंज आ गया क्योंकि न्यू बिगिनिंग इज़ लाइक कि न्यू बिगिनिंग के लिए आपको सही इंटेंशन पुट इन करना ज़रूरी है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पास से बहुत ज़्यादा अटैच ना होकर फ्यूचर की तरफ देखें. अटैच ना होकर का मतलब ये भी है कि अपने पास्ट के बेसिस पर अपना फ्यूचर डिफाइन मत करो. इट कैन एंड इट डेफिनेटली विल बी बेटर. ओके, यस. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए पर्सनल लाइफ लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव नो प्लेस लाइक होम एंड सेवन ऑफ कॉइन्स. सो पर्सनल लाइफ तो काफ़ी सिक्योर नज़र आ रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर. नो प्लेस लाइक होम में प्यारा सा घर बना हुआ है विच इज़ वेरी वेरी सेफ. सो यू शुड नो दैट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स आर सेफ, योर हार्ट इज़ सेफ. वैसे भी इमोशनल सिक्योरिटी का मैसेज तो शुरुआत से ही आ रहा है कि यू वेरी इमोशनल सिक्योर. एंड देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है यू नो इन ऑगस्ट और समथिंग मैरिज मटेरियलाइजेशन. बिकॉज यहाँ पर लिटरली देयर इज दिस आग जल रही है और एक मेल फीमेल बैठे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्राइड एंड ग्रूम एनर्जी, अग्नि के फेरे टाइप ऑफ एनर्जी. सो ऐसा कुछ सिनारी हो सकता है. एंड देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम ऑल्सो. होम एनर्जी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट. ठीक है, घर बस रहा है काइंड ऑफ एनर्जी. सो ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आपका घर रेनोवेट हो रहा है या शिफ्ट ऑफ होम तो काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए. बट सेवन ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि सेवन ऑफ कॉइन्स काफ़ी लोगों के लिए ये भी है मैसेज कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप इज़ फाइनली गेटिंग स्टेबल नाउ. ठीक है,
फाइनली गेटिंग स्टेबल, या कोई पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है जिसकी आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। अब मैंने बोला था पास्ट से अटैच मत हो। पास्ट से अटैच ना होने का मतलब ये नहीं कि आप पास्ट अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अटैच होने से क्या होता है कि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अटैचमेंट इज नॉट हेल्दी, राइट? सो ऑफ एनी सॉर्ट, चाहे वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी है, उससे भी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है, यू नो इट ब्लॉक्स द एनर्जी। सो इसलिए अटैचमेंट तो कैसे भी नहीं रखनी। और सेवन ऑफ कॉइंस टॉकिंग अबाउट बी पेशेंट। थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा पैसिव अप्रोच रहेगी। आई ऑल्सो फील दैट हो सकता है आपका ज़्यादा ध्यान अपने फाइनेंसेस और करियर की तरफ ज़्यादा हो। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग उसकी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है। हालांकि वैसे आपका जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। एंड यू शुड नो दैट कि आपने अपने पास्ट में जैसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में डील किया है उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन यू नीड टू बी पेशेंट अबाउट इट, ठीक है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस ओवर द पास्ट ना करें तो अच्छा है, ठीक है। जस्ट बी ओपन टू वॉट्स कमिंग अहेड, बट द एनर्जी इज़ अ बिट स्लो, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके एक्चुअली ओवरव्यू के लिए, क्योंकि सैटर्न आ गया ना, द वर्ल्ड इज सैटर्न बेसिकली, तो सैटर्न एनर्जी इज स्लो, तो थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा आपका अगस्त, बट द रिजल्ट्स आर वेरी मच प्रोमिस्ड, वेरी मच प्रोमिस्ड, ओके। नाउ लेट्स सी मैसेज फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। फॉर करियर एंड फाइनेंसेस वी हैव टू ऑफ वांड्स एंड पार्टनरशिप। सो आई डेफिनेटली सी अ पार्टनरशिप, स्पेशली लाइक अ क्रिएटिव पार्टनरशिप। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में, या फिर आप जो भी काम करो अपने करियर में आपको वो सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम अदर पीपल दैट यू नीड, स्पेशली द क्रिएटिव सपोर्ट, स्पेशली यू नीड सपोर्ट विद प्लानिंग थिंग्स आउट, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एक विजन सेट करने के लिए। ऑल्सो फील दैट इट्स वेरी गुड टाइम टू सेट न्यू गोल, सेट न्यू विजन, बिकॉज लाइक आई सेड आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड देयर इज अ न्यू वन स्टार्टिंग ऑफ, तो न्यू के लिए आपको एक फ्रेश विजन सेट करना, फ्रेश गोल सेट करना बहुत अच्छा रहेगा। गैदर द नॉलेज दैट यू नीड, ओके, दैट इज़ रिक्वायर्ड अपना, एंड कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि आपको सही लोग मिलेंगे जिनसे आप यू नो बात करके अपना एक प्लान सेट कर सकते हैं क्लियरली। आई ऑल्सो सी दैट विद द पार्टनरशिप एनर्जी, बिजनेस पार्टनरशिप लाइक आई सेड इट्स वेरी मच पॉसिबल। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है एंड आपका जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे टर्म्स पे आगे चलेगी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप नहीं भी है तो भी आई फील दैट कि कुछ लोगों से आप कुछ डील कर सकते हैं, कुछ डील साइन कर सकते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका क्रिएटिव लेवल, वाइब, एनर्जी बहुत अच्छे से मैच करता है। फॉर फाइनेंसेस आई वुड से कि प्लान योर फाइनेंसेस वेल, ठीक है। अपना प्लान क्लियरली सेट करो, प्लानिंग 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 पे बहुत फोकस करो, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजाइजिंग पे बहुत फोकस करो, और अपने प्लान्स किसी से डिस्कस करो, कोई ऐसा इंसान जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, ऐसे इंसान से अपना प्लान डिस्कस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। इनपुट अच्छी मिलेगी आपको, तो आपका प्लान्स और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू गाइज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर फ्रॉम द स्टोरी क्यूब्स। सो स्टोरी क्यूब्स, लेट्स सी पाइल वन, व्हाट्स कमिंग इन अगस्त। ऑलराइट, सो वी हैव एप्पल। तो एप्पल से मुझे लगता है डेफिनेटली एक तो योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी गुड, एंड दूसरी चीज़ फ्रूट्स ऑफ लेबर, तो इट्स लाइक कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी द टावर, तो टावर से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू बिल्डिंग थिंग्स, एंड मुझे एक बहुत अच्छी होम एनर्जी नज़र आ रही है। यू प्लानिंग टू बाई अ न्यू होम या शिफ्ट होम या घर में कुछ रेनोवेशन, वेरी गुड टाइम। एंड देन वी ऑल्सो हैव द स्टार, द शूटिंग स्टार, तो विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है। एंड इट्स ऑल्सो लाइक यू नो इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि आप जो भी यू नो इट्स गिविंग मी दिस मैजिशियन वाइब्स कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विश वाइजली, ठीक है। आप क्लियर विशेज पुट अप करो तो आपको क्लियर रिजल्ट मिलेंगे। देन वी हैव बी एंड फ्लावर, सो बी एंड फ्लावर से मुझे दिख रहा है कि हार्डवर्क का टाइम है, ठीक है, अपने एफर्ट्स पुट इन करने का भी टाइम है, लेकिन आप जो भी एफर्ट पुट इन करेंगे उसका आपको कंप्लीट फ्रूट्स मिलेंगे, और आपके अपने पुराने एफर्ट्स के भी फ्रूट्स मिल रहे हैं,
पुराने एफर्ट्स के भी फ्रूट्स मिल रहे हैं. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव डाइस. सो डाइस में, डाइस से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी को प्लेफुल रखें. ठीक है, वी ऑल्सो हैव लाइटनिंग. मुझे कहना कि ना ऐसा लग रहा है तो लाइटनिंग एंड टावर, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द टावर मोमेंट. सो टावर मोमेंट से मुझे लगता है कि कई लोगों की रियलिटी आपके सामने आने वाली है इन ऑगस्ट. एंड वो जैसे यहाँ पर आते ना कि समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड यू बिहाइंड योर बैक. सो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी थोड़ी रियलिटी आपके सामने आएगी. ठीक है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द लॉक. सो लॉक है बट की नहीं है. सो आई फील दैट कि कुछ आपके ऐसे दरवाजे हैं जो अभी लॉक हो रखे हैं. द की इज़ विद यू माई फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अपना को ओपन अप करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा ओपन माइंड से, थोड़ा सा यू नो एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. एंड देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स टूवर्ड्स यू. एंड वी ऑल्सो हैव द डायलॉग. मुझे लगता है किसी से कोई कॉन्वर्जेशन हो सकती है आपकी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी लाइक बिजनेस कॉन्वर्जेशन विद अ बिजनेस पार्टनर, और समवन कुड बी लाइक रियली फ्लर्टिंग विद यू, क्योंकि यहाँ पे डाइस है तो देयर इज ऑल्सो दिस फन एनर्जी हैपनिंग. सो या आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल वन. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेज रेजोनेटेड विद यू. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू. बाय. पाइल टू जिन्होंने चुना है द पर्पल स्टोन. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन ऑगस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आपके टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव हिल्स, कैंडल एंड बोट. साथ ही हम देख लेते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोडाइस से क्या मैसेजेस हैं. पाइल टू मैसेजेस फॉर ऑगस्ट. पाइल टू मैसेजेस फॉर ऑगस्ट. सो वी हैव 11th हाउस एंड नेपट्यून एंड लियो. ओके, सो वी हैव लियो एंड लियो एनर्जी लास्ट पाइल में भी आई थी, इस पाइल में भी आ रही है. तो ऑल द लियोज. सो वी हैव ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट कि डेफिनेटली विद नेपट्यून एनर्जी इज बेसिकली शोइंग कि काफ़ी लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में चल रहे हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर. बट वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे. सो कुछ चीज़ों को लेकर जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन चल रहा है, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी ओवरकमिंग सम ऑब्स्टिकल्स विद द हिल्स कार्ड. सो बट ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल भी मुझे लग रहा है कि मुझे कहना कैसा लग रहा है कि वो ऑब्स्टिकल्स जो है ना, देर नॉट लाइक रियल ऑब्स्टिकल्स. देर मोर लाइक जैसे एक धुंध आ जाती है ना सामने. ऐसा नहीं है कि आपके सामने पत्थर है, पर आपके सामने धुंध है जो कि आपको, जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं पत्थर है या रास्ता साफ है या पता नहीं क्या है. ठीक है, तो वो धुंध जो है वो क्लियर हो जाएगी थ्रू दिस कैंडल एनर्जी. और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ मनी इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर इशू चल रहा है तो उसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर. ठीक है, इन ऑगस्ट. एंड कई कुछ लोगों को हो सकता है वैसे ही मनी इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिल रही है, इनहेरिटेंस मिल रही है, या फिर आपको सडन गेन हो सकता है. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम रह सकती है. ठीक है, लाइक लॉटरी इनकम, सब अनएक्सपेक्टेड इनकम और टू मच इनकम एट वंस, ऐसा आपको रह सकता है. इनकम और प्रॉपर्टी गेन, ऐसा कुछ आपका रह सकता है इन ऑगस्ट. एंड विद लियो एंड 11th हाउस आई फील दैट कि कुछ ऐसे गेन्स आपके रहेंगे जो कि आपको यू नो दे विल मेक यू फील वेरी प्राउड. एंड देर ऑल्सो थिंग्स विच आर नॉट, विच यू कैन नॉट सी अभी. अभी आप वो चीज़ें नहीं देख सकते हो, वो एकदम से आएंगी. बहुत अनएक्सपेक्टेड सा और अनप्लान्ड सा एनर्जी है उसमें. ठीक है, इट्स लाइक इट्स कमिंग टू यू, नॉट लाइक यू गोइंग टूवर्ड्स इट. ऑल राइट, कुछ लोगों का ट्रैवल भी रह सकते हो बिकॉज हो सकता है आप हिल्स में घूमने जा सकते हो. ठीक है, इन ऑगस्ट ट्रैवलिंग टू द हिल्स और सम प्लेस जहाँ पे पानी वाली जगह हो, नियर द वाटर बॉडी बिकॉज वी हैव द बोट. ठीक है, बोट ट्रैवल रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है. यस, बट या सो दैट वॉज ऑल. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओवरव्यू क्या है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द फूल. काफ़ी लोगों के लिए फील दैट कि ये जो ट्रिप मैं बोल रही हूँ हिल्स में या बोट वाला जो ट्रिप है, इट कुड बी लाइक अ स्पॉन्टेनियस अनप्लान ट्रिप. ठीक है, समथिंग विच यू डिडंट प्लान बट एकदम से हो गया. एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट. सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड फूल. सो 9 ऑफ वॉन्ड्स is actually almost completion, judgment is completion and fool is like the new beginning. Now pichli pile mein there was this completion climax energy, is pile mein it's like ki your
यू आर एट द न्यू बिगिनिंग. ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है, लेकिन इस न्यू बिगिनिंग के लिए ना यू हैव टू बी मोर रिस्क टेकिंग, मोर स्पॉन्टेनियस एंड मोर एडवेंचरस. थोड़ा सा एडवेंचरस होने की ज़रूरत है. आई फील दैट आप लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच में चलते हो अपने आप के साथ. ठीक है, यू वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी वेरी डिफेंसिव अबाउट योर सेल्फ. थोड़ा सा मुझे लगता है कि यू नीड टू लूजन अप. ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए कुड स्टार्ट डांसिंग इन ऑगस्ट. ठीक है, डांस कर रहे हो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हो करना शुरू कर दो, बिकॉज डांसिंग म्यूजिक विल रियली हेल्प यू. काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पार्टी वगैरह ज़्यादा हो जाएगा अगस्त में. यू विल बी पार्टिंग अलॉट, यू विल बी गोइंग आउट अलॉट, यू विल बी सेलिब्रेटिंग अलॉट. ठीक है, डांसिंग अलॉट, हैविंग फन अलॉट. म्यूजिक एंड डांसिंग काफ़ी चल रहा है इन ऑगस्ट, एंड इट विल बी ऑल स्पॉन्टेनियस प्लान्स, वेरी फन, लाइट हेडेड एनर्जी. हालांकि आप विद अ नाइन ऑफ वांड्स, हो सकता है आप थोड़ा सा उस चीज़ को रिजिस्ट करने की कोशिश करो या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो, बट एनी वे इट्स हैपनिंग, सो माइट एज वेल जस्ट गो एंड एन्जॉय. ओके, विद नाइन ऑफ वांड्स आई ऑल्सो सी दैट की ठीक है, इन्जॉय करो, बट अपना स्टैंड, अपना ग्राउंड होल्ड करके चलो. ठीक है, इट्स लाइक कि डू नॉट गेट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल. गो हैव फन, बट डू नॉट गेट टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, एंड डू नॉट, मतलब एक वो जजमेंट का फियर जो आता है ना तुम्हारे अंदर, वो मत लाओ. थोड़ा सा बिंदास रहोगे तो अच्छा है, बट बिंदास के साथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर. वो कर रहे हो जो खुद का मन कर रहा है, लेकिन खुद का मन कर रहा है तो कर लो. हाँ, लेकिन किसी और के प्रभाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके करना, वो गलत है. ठीक है, एंड मुझे को लग रहा है कुछ न्यूज़, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, कुछ न्यूज़, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, और वो चीज़ एकदम ना एनर्जी लेवल ही चेंज कर देगी अगस्त में आपका. इट ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड अगस्त इज द टाइम फॉर यू टू टेक रिस्क, टू बी एडवेंचरस एंड टू बी प्लेफुल. जितना आप रिस्क टेकिंग, प्लेफुल, एडवेंचरस रहेंगे, उतना ज़्यादा आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे. आई ऑल्सो सी दैट कि अपने प्लान्स पे बहुत ज़्यादा रिजिड ना होकर डिवाइन प्लान की तरफ अपने आप को ओपन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज डिवाइन हैज़ सम सॉलिड प्लान फॉर यू गाइज, सम सॉलिड प्लान. ठीक है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी नहीं दिख रही हैं, बट यू विल नो इन द राइट टाइम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑल राइट, सो इट्स टाइम टू सरेंडर. एंड अगर आपको म्यूज़िक सीखने का मन है, डांस सीखने का मन है, प्लीज़ गो लर्न या हैव फन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर एंड फोर ऑफ कप्स. सो आई फील दैट कुछ ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, फुल मून इन सजिटेरियस है तो कुछ बिग ब्लेसिंग आ रही हैं, बिग ब्लेसिंग एंड यू गेटिंग लकी इन अगस्त. बट आई फील दैट फोर ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आप ना वो ब्लेसिंग को देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है. ठीक है, आप किसी चीज़ पर अटके हुए हो, ब्लेसिंग कहीं और से आ रही है, तभी यू नीड टू बी मोर ओपन माइंडेड, तभी यू नीड टू बी मोर एडवेंचरस. ठीक है, एंड नॉट जज टू क्विकली. उस ब्लेसिंग को भी जज मत करो कि नहीं, ये तो नहीं सोचा था मैंने, ये तो नहीं चाहिए था मुझे. नहीं, जो मिल रहा है उसको देखो, हैव फन. ऑल्सो डोंट बी बोरिंग विद द फोर ऑफ कप्स. ना ये किताब पढ़ रहा है और उसको कप ऑफर हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठ के किताब पढ़ सकते हो या यू कैन गो आउट एंड डांस. सो चूज डांसिंग. थोड़ा सा इट्स नॉट अबाउट कि किताब पढ़ना गलत है, मैं नहीं कह रही बिल्कुल सही है. ठीक है, बट हो सकता है आप किताब भी नहीं पढ़ रहे हो, आप बस घर बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो. ठीक है, बट गो आउट, गो आउट, बिकॉज वो चीज़ ऐसी है जो कि आपको एक्चुअली यू विल इन्जॉय गोइंग आउट, हैविंग फन एंड यू नो डांसिंग एंड सिंगिंग एंड यू नो दीज थिंग्स. या आपका कोई भी इमोशनल डिज़ायर्स हो सकते हैं, कोई भी शौक हो सकते हैं, उनको पूरा करो. ठीक है, उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पर कौन सी ब्लेसिंग निकल आए. वो हेल्प करेगी आपकी एनर्जी को ओपन करने में, क्योंकि डांसिंग से भी क्या होता है, इट्स लाइक ओपनिंग योर सोल. ठीक है, तो डांसिंग से भी यू नो इट्स लाइक स्ट्रेचिंग होती है, तो यू ओपन योर बॉडी, ओपन योर नर्व्स. ठीक है, तो उससे यू ओपन योर एनर्जी टू मोर ब्लेसिंग्स. तो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स आपको छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, इट्स लाइक अ बिग ब्लेसिंग. सो लुक एट द बिगर पिक्चर. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को मत अटकाओ, बिगर पिक्चर देखो, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ अ बिग प्लान फॉर यू. ऑलराइट,
Now let's see what is the challenge for you. We have full moon in Cancer and five of cups. So I feel that कुछ personal issues, कुछ family issues काफ़ी लोगों के हो सकते हैं, especially with like I said कुछ inheritance या property से related. ठीक है, तो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रह सकती है चीज़. ठीक है, मतलब डिसअपॉइंटिंग ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंस तो आपको मिल रही है बट डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है उस चीज़ में. दूसरा ये है कि आई फील दैट आप लोग थोड़ा ज़्यादा सल्क कर सकते हो. सल्क मतलब बहुत नेगेटिव थिंकिंग कि अच्छा ये भी नहीं हो रहा मेरे साथ, तो वो भी नहीं हो रहा मेरे साथ, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी गया वो भी गया, कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा, यू नो एक ये वाला एनर्जी जो होती है ना, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली हो गए, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, क्लिंगी हो गए. तो वो जो है वो एक चैलेंज है आपके लिए इन ऑगस्ट. यू डोंट हैव टू बी क्लिंगी, रादर यू हैव टू बी मोर फन, यू हैव टू बी मोर एडवेंचरस, रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू कम टू यू. हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, गो आउट एंड हैव फन, रादर देन वेटिंग कि अच्छा मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा, मुझे तो कोई बात ही नहीं कर रहा. ठीक है, खुद बात करो, प्लान बनाओ, निकलो बाहर. ठीक है, किसी से बात करने का मन है, टेक दैट इनिशिएटिव एंड गो. ठीक है, बोर हो रहे हो कुछ करो, गेट क्रिएटिव, एंगेज योर सेल्फ. तो बेसिकली स्टॉप सल्किंग, ओके, एंड स्टॉप लुकिंग एट द डार्क साइड, लुक एट द ब्राइट साइड. सो चैलेंज है आपके इमोशंस, कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सिंक नहीं होना है, थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करना है, मोटिवेट करना है. उसके लिए मेडिटेशन इज़ रियली गोइंग टू हेल्प. ठीक है, मेडिटेशन ताकि आपके इमोशंस काम हो, डीप ब्रीदिंग करने से हेल्प होगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स. सो ऑल दैट ग्लिटर्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई फील आपके आस पास ना कुछ, या आपके चॉइस ऑफ पीपल थोड़ी सी हो सकता है गलत जा रही हो सकती है, कि जिन लोगों से आप बहुत उम्मीद लगा के बैठते हो ना, वो एक्चुअली आपके लिए उतने हेल्दी नहीं हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, और कम्युनिकेशन का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है आपने इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. ऑल दैट लेटर से मैं ये भी आ रहा है कि कुछ लोग आपको दिखने में लग सकता है कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल उनके इंटेंशंस कुछ अलग हो सकते हैं. तो थोड़ा सा आप अपने जो सिक्स सेंस है, ठीक है, इंस्टिंक्ट है, उसको ट्रस्ट करो कि है तो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड डू नॉट गेट अटैच टू ईजिली और टू मच विद पीपल. ठीक है, थोड़ा सा एक हेल्दी डिस्टेंस, थोड़ा लाइक ऐसा ना एक इंडिपेंडेंट एनर्जी मेंटेन करके रखो. डो नॉट गेट टू मच इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि वो जो लोग जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो रहे हो ना, दे माइट नॉट इवन बी द राइट पीपल फॉर यू. ठीक है, और आप थोड़ा सा सोच समझ के कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन कहाँ कैसे यूज सकता है वो चीज़ नहीं पता. दूसरी चीज़ ये भी है कि डू नॉट चेज द ग्लिटर, चेज द गोल्ड. चेज द गोल्ड का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया, बट मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हैं. कुछ लोग आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं, जेन्युइनली आपका केयर करते हैं, लेकिन आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो. ठीक है, हो सकता है आपको अब ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को थोड़ा और टाइम दो. ठीक है, कि आप हो सकता है आप यू वेरी मच अबाउट योर फ्रेंड्स, पर आपके फ्रेंड्स आपको इतना वैल्यू नहीं करते हैं, तो माइट एज वेल गिव टाइम टू योर फैमिली, और दी अदर वे अराउंड. ठीक है, कैसे भी हो सकता है, दैट यू डिसाइड. बट फैमिली टाइम का स्पेशल मैसेज आ तो रहा है कि स्पेंड मोर फैमिली टाइम. ठीक है, यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन इट, गो आउट विद फैमिली, हैव फन. ऑलराइट, देन वी हैव मैसेज फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. सो वी हैव द चैरियट, वी हैव जर्नी एंड वी हैव कम्युनिकेशन. सो जर्नी एंड चैरियट एंड थर्ड हाउस, तो तीनों ही ट्रैवल कार्ड्स हैं, तो देयर इज डेफिनेटली सम शॉर्ट जर्नी, सम ट्रैवल हैपनिंग. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोग्रेस, फॉरवर्ड मूवमेंट, एंड कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है. इफ़ यूर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई एग्ज़ाम है तो आप पास हो जाओगे. कुछ आपको कोई न्यूज़ का वेट करो तो वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी. किसी कम्युनिकेशन का वेट करो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा. बट डेफिनेटली राइजिंग अप, आई ऑल्सो सी दैट कि आप टाइम इज़ इन योर फेवर, टाइम इज़ इन योर फेवर, लक इज़ ऑन योर साइड, सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मूव. थोड़ा सा एक टर्न भी आ रहा है करियर में. ठीक है, यू टेकिंग अ टर्न, बट यू फाइनली आप लीड ले रहे हो अपने करियर की, अपने फाइनेंसेस की,
अपनी लाइफ की एंड यू आर चार्जिंग अ हेड, ठीक है. इट इज़ अ गुड टाइम टू बाय अ व्हीकल इफ यू वॉन्ट टू. कार लेनी है, कोई व्हीकल लेना है तो अच्छा टाइम है लेने का, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि यू आर एट द फ्रंट सीट, यू आर ड्राइविंग योर कार, ठीक है. सो आप उसको जितना आगे ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो थ्रू गुड कम्युनिकेशन. योर कम्युनिकेशन इज योर की, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्टोरी क्यूब से क्या मैसेजेस हैं. सो पाइल टू, लेट्स सी स्टोरी क्यूब्स ऑगस्ट मैसेजेस फॉर पाइल टू. ऑलराइट, ओके ओके. सो वी हैव मास्क. सो सी मास्क है तो कुछ लोग हैं जो आपके सामने मास्क पहन के घूम रहे हैं. सो बी केयरफुल, ठीक है. उनके आगे क्वेश्चन मार्क और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब मिल जाएगा. कुछ चीज़ों के बारे में आपको मुझे लगता है थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा लुक क्लोजली अबाउट सम थिंग्स, सम पीपल, ठीक है, जिनको आपको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है. ऑल्सो योर एनर्जी इज़ वेरी मैग्नेटिक इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है. सो बी केयरफुल अबाउट हु यू अट्रैक्ट, ठीक है. रादर देन कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने की परमिशन दो, ठीक है, तो उनके मास्क के नीचे पहले उनको देखो एंड देन डिसाइड इफ दे आर यू नो वर्दी ऑफ एंटरिंग योर लाइफ. यू ऑल्सो हैव व्हील, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी कि आप लक्की हो रहे हो इन अगस्त. एंड यू ऑल्सो हैव रेनबो, इट्स लाइक अ रेनबो पीरियड. रेनबो मतलब इट्स अ हैप्पी हैप्पी पीरियड, इट्स अ प्रॉस्परस पीरियड. एंड रेनबो क्या है, बारिश के बाद आता है, तो एक रेनी डे के बाद एक क्लियर रेनबो आ रहा है आपके सामने, ठीक है. वी ऑल्सो हैव बुक्स. सो यू गाइज, आप इसे काफ़ी लोग बुक रीडर्स हो सकते हो, बुक वर्म्स हो सकते हो, या फिर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो फॉर सम एग्जाम बट यू गोइंग टू क्लियर इट. उसमें भी ऐसा है कि थोड़ा सा गौर से पढ़ो, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ चीज़ों की, ठीक है, इलेबोरेटेड स्टडी करो. वी ऑल्सो हैव द यू नो ग्लोब, सो इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल गेन, एंड ऑल्सो इट्स टॉकिंग अबाउट कम्प्लीशन. आई फील अ कम्प्लीशन एनर्जी और even contributing to the environment, ठीक है, environment के लिए कुछ करेंगे. यू also have home energy, so अपनी family के साथ quality time spend करेंगे, अपनी family को quality time देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. That was all for you pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है yellow stone. Let's see what's coming for you in the month of August. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टी लीफ फॉर्चून कार्ड से हमारे पास है कैमल, बास्केट एंड चेयर फिल्ड. ऑल राइट, देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू पाइल 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. सो अगस्त मैसेजेस फॉर पाइल 3. वी हैव फर्स्ट हाउस जुपिटर एंड सजिटेरियस. ओके, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस इन सजिटेरियस. ऑल राइट, इंटरेस्टिंग. So, there's strong Jupiter energy. I feel that you guys are very wise, और आप बहुत wise हो रहे हो, and you're going to be very clear about your path, your goals, and आप मुझे लगता है कि with the basket, I see definitely some recognition and reward for merit. Reward for merit मतलब आपको वो reward मिल रहा है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है. And someone new is entering your life. Now, there's someone new person could be Sagittarius. ठीक है, एंड कुड बी समवन हु इज़ वेरी वाइज, वेल एजुकेटेड, एंड समवन हु इज़ ऑल्सो एक अच्छे रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड के पर्सन. ठीक है, कैमल से परसिवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स. समवेयर आई फील दैट जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, आप बेसिकली इस टाइम मुझे लगता है एक जर्नी पे हो. ठीक है, और इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है कि आप बस आगे बढ़ते रहो एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स. आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड्स. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट, ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लैम अप, बट इट्स अबाउट बींग हेल्दी, नर्चरिंग एंड बींग यू नो बींग मोर एनर्जेटिक. आपका एनर्जी लेवल, आपका क्वालिटी ऑफ फूड, आपका क्वालिटी ऑफ स्किन, ये सब इम्प्रूव हो रहा है इन अगस्त. और हो सकता है आप उस पर काम भी करें, और काम ज़रूर करें, क्योंकि उससे बहुत, और उससे सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट
उस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और उससे आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, आपका विजन क्लियर होगा, एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। एजुकेशन वाइज द एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। एजुकेशन गेन करने के लिए द एनर्जी इज़ वेरी गुड। हो जाता है अगस्त में आपकी एजुकेशन एक्सपेंशन होगा, आपकी नॉलेज एक्सपेंशन होगा, एजुकेशन एक्सपेंशन नहीं, नॉलेज एक्सपेंशन होगा, ठीक है। कि यू नॉट जस्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ कि हाँ नंबर लाने के लिए या पास होने के लिए, बट एक्चुअली गेनिंग नॉलेज। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी एन ओवरव्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू पाइल थ्री। सो वी हैव एम्प्रेस, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली देयर इज अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला एनर्जी, एंड यहाँ पर ग्लैमरस एनर्जी भी आ रही है विद द एम्प्रेस। डेफिनेटली वेरी ब्यूटिफुल बट ऑल्सो रिच। रिच का मतलब ये है कि रिच स्किन, रिच हेयर एंड रिच बॉडी, रिच रिच विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो वेयरिंग प्रिटी क्लोथ्स एंड नाइस क्लोथ्स एंड लाइक फीलिंग प्रिटी, फीलिंग ब्यूटिफुल, फीलिंग अट्रैक्टिव। एंड मुझे लगता है इस वजह से आप काफ़ी अटेंशन भी ग्रैब करेंगे विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड डेफिनेटली देयर इज सम विक्ट्री, सम फ्री, सम रिकग्निशन, सम अचीवमेंट कमिंग अहेड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स तीनों ही इट्स वेरी सेक्रल चक्र एनर्जी। सेक्रल चक्र एनर्जी का मतलब ये है कि इट इज़ अ टाइम, इट्स अ वेरी फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग, केयरिंग, सेंसिटिविटी, ग्रोथ। चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, ठीक है। इफ़ यू प्लानिंग फॉर चाइल्ड बर्थ, अगर प्रेगनेंसी है तो चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं। आप इफ़ यू प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी देन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। गुड न्यूज़ कमिंग अहेड। आई ऑल्सो एंड शेयर फील समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, कुड बी योर ओन चाइल्ड। ऑल राइट, देन यू ऑल्सो हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ एक्साइटमेंट है एनर्जी में, सम अपलिफ्टिंग एनर्जी है। एंड दिस एक्साइटमेंट इज, यू नो, इट्स समथिंग दैट यू आर रिसीविंग। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेज कर रहे हो, इट्स समथिंग दैट यू आर रिसीविंग, यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप पर काम कर रहे हो। आई सी लॉट ऑफ सेल्फ वर्क हैपनिंग इन ऑगस्ट फॉर यू, और ये सेल्फ वर्क आप लाइक आई सेड एक डीपर लेवल पे है। आप अपना को नरिश कर रहे हो, नरिश कर रहे हो विद गुड फूड, विद गुड नॉलेज, गुड थॉट, ठीक है। तो उस वजह से आपका जो एनर्जी है वो बहुत बहुत एनरिच्ड हो रहा है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू आर अट्रैक्टिंग रिकोगनीशन फॉर योर सेल्फ। यू विल सी कि आप बाहर निकलोगे तो लोग आपको ज़्यादा नोटिस करने लग जाएंगे, लोग आपको तरफ मुड़ मुड़ के देखने लग जाएंगे, टर्निंग हेड्स। और ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ ग्लैमरस पहना हुआ है, नो, इट्स जस्ट योर ऑरा, इट्स जस्ट योर वाइब्रेशन जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, इतनी एम्पावर्ड है कि यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स यू, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आई फील दैट यू गोइंग टू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग न्यू, सम न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग न्यू इज गेटिंग स्टार्टेड। स्पेशली अगर आपको कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है अगस्त। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपको कोई अपना नॉर्मल काम का ही प्रोजेक्ट करना है तो डू इट मोर क्रिएटिवली, डू इट मोर एंथुजियास्टिकली, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियली इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। अगस्त इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू फाइनेंशियली, धनलक्ष्मी नज़र आ रही है लिटरली, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है इन अगस्त। सो वी हैव न्यू मून इन लियो एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो न्यू मून इन लियो इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट अटेंशन। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो देयर सम सक्सेस कमिंग इन, ठीक है। और सक्सेस से आई फील यू गोइंग टू वॉक इन द लाइट, यू गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस, ठीक है। बट एट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है कि कहीं ना आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, आप यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद को विक्टमाइज ना करने लग जाओ कि जैसे कुछ मिल भी रहा है तो आपका नहीं, पता नहीं मैं तो डिज़र्व भी नहीं करती, पता नहीं डू आई डिज़र्व दिस, पता नहीं मुझसे होगा, मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, यू नो, एक वो थिंकिंग, लैक मेंटालिटी जो होती है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट कुड ब्लॉक द ब्लेसिंग, ठीक है। एंड इट्स जस्ट योर थाट्स, इट इज़ जस्ट योर थाट्स। आई फील दैट कि आप हो सकता है यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, बट आप कर नहीं रहे, क्योंकि आप कहते हो अरे मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ। हालांकि यू हैव द पावर टू क्लियर ऑल दैट एंड यू नो मेक योर वे, अपना रास्ता निकालने का आपका पूरा पावर है, पूरा अथॉरिटी है, लेकिन आप खुद ही अपने थॉट्स में ही यू नो जकड़े हुए हो,
सी, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बोल्ड होकर, यू हैव टू बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट एंड मेक योर मूव एंड मेक योर वे, ओके, एंड देन सक्सेस इज योर्स. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू. सो वी हैव डिसमिनेटिंग मून, टाइम टू ब्रीद आउट, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कि आई फील दैट यू आर टू क्राउडेड. आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हो जो कि अपनी नीड्स के ऊपर दूसरों की नीड्स रख लेते हो, जिस वजह से आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, अपनी पर्सनल डिज़ायर्स पे वर्क करने का टाइम नहीं मिलता है. तो आई फील दैट यू नीड टू टेक आउट टाइम टू ब्रीद आउट, सो दैट यू कैन क्लियर योर स्पेस और आप उन चीज़ों के लिए टाइम निकाल सको जो कि आपके लिए प्रायोरिटी रखती हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, हो सकता है आप में से ऐसे लोग हो जो यू नो दूसरे के लिए टाइम निकालते रहते हो. अगर आपको किसी और का ख्याल रखने के लिए बोला जाए तो आप उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाओगे, बहुत अच्छा सर्व करोगे, यू विल मेक श्योर दैट दिस पर्सन ईट्स ऑन टाइम एंड ईट्स वेल एंड एवरीथिंग. लेकिन जब वही चीज़ खुद पर करने की बारी आती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं, अभी उसके लिए वो करना था, उसके लिए वो करना था, इसलिए तो मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाई. बट ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है, आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आपको रेस्ट देने का ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आपको स्पेस देने का ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको. इट्स वेरी मच अबाउट सेल्फ वर्क फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके, द मंथ ऑफ अगस्त इज़ ऑल अबाउट सेल्फ वर्क, क्योंकि उसी से आपका बहुत पोटेंशियल खुल जाएगा और बहुत सक्सेस अट्रैक्ट करोगे इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. ऑल राइट, now let's see what is the message for your personal life, personal love and relationships. So we have thinker, we have soulmates, and we have ace of cups. So someone is thinking about you, pile 3. Wow, and this is your soulmate is thinking about you, and pyar to nazar aaya, love is on the cards. Or someone is really thinking about you, or either it's a new relationship या फिर आपके relationship में ही और प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि आप गहरे ख्यालों में हैं किसी को लेकर और कोई आपको लेकर. For those who are not interested in relationship, क्योंकि it's a general reading, कुछ लोगों के लिए it can also even mean कि you're attracting more thoughtful people for yourself, जो कि आपकी सोल फैमिली हैं, आपके सोल मेट्स हैं. एंड उसमें ये भी मैसेज है कि बी मोर थाटफुल, ठीक है, अबाउट योर रिलेशनशिप्स. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील दैट कि अगर आप सोचें तो यू एक्चुअली हैव पीपल दैट यू कैन यू नो रियली कनेक्ट विद, दैट यू आप एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन शेयर कर सकते हो, आप एक हार्ट टू हार्ट यू नो एक बॉन्डिंग शेयर कर सकते हो, एंड दे अंडरस्टैंड यू, दे गेट यू. एंड एस ऑफ कप से मुझे ये भी लग रहा है कि शो दैट यू केयर, एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. मुझे लगता है तभी कि जैसे ही यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ लव, यू अट्रैक्ट सोल फैमिली, यू अट्रैक्ट सोल मेट. ओके, दैट इज वॉट हैपन्स, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना, जब हम अपनी तरफ वो नर्चरिंग एनर्जी पोर करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है. एंड देन वी ऑल अबाउट लव ऑल अराउंड अस, लव ऑल अराउंड अस, एंड देन सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट रिलेशनशिप. ठीक है, एंड थोड़ा सा इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है. अगर ये आपके सामने है इंसान, समवन यू आर कनेक्टेड विद, यू आर इन रिलेशनशिप, देन दे थिंक अबाउट यू अ लॉट ऑफ थिंकिंग. ठीक है, एंड अगर नहीं है तो हो सकता है कोई आपके बारे में सोच रहा है, एंड वो अगस्त में आपके सामने आ जाएंगे. यस, राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. सो वी हैव मर्क्यूरी मैसेजेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. एक तो मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट पेपर वर्क हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कॉन्वर्जेशन हो सकती है. ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त. आई ऑल्सो सी विद मर्क्यूरी एनर्जी की द एनर्जी इज़ वेरी क्विक, सो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी. एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो, सो द एनर्जी इज़ वेरी एक्टिव.
आप काफ़ी एक्टिव रहोगे व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस एंड करियर इन ऑगस्ट. एंड एक्टिव से मुझे ये भी लग रहा है कि यू विल गेट थिंग्स डन वेरी क्विकली. आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा, आपका कोर्स ऑफ एक्शन बहुत अच्छा रहेगा इन ऑगस्ट. एंड यू विल फील लाइक यू नो यू डिडंट जस्ट बॉस लेडी बॉस एनर्जी वेर यू जस्ट टक 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 गेटिंग थिंग्स डन. ठीक है, वेरी क्विक की एंड कम्युनिकेशन इज ऑन पॉइंट. कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. कम्युनिकेशन और एक्शन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, थॉट प्रोसेस एंड एक्शन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है. एंड इट्स वेरी क्विक एंड इट्स वेरी क्लियर. ऐसा नहीं है इम्पल्सिव नहीं है, बहुत विजडम है, बहुत ग्रेस है, बहुत चार्म है. आप अपनी एलिगेंस से, अपने यू नो चार्म से अपने बहुत काम करवा सकते हो. आप में वो आप में वो बात है कि आपको आपके बोलने का तरीका ऐसा है कि कोई आपको मना नहीं कर सकता. ठीक है, तो वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया है. एंड ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ एरोज एंड मर्करी, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई प्लान आपके दिमाग में, गेट ऑन इट, गेट इन टू एक्शन अबाउट इट, स्टार्ट विद इट, नाउ इज द टाइम. ओके, एंड टेक चार्ज, टेक कमांड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेक कमांड, गेट थिंग्स डन राइट. एंड सॉर्ट योर फाइनेंसेस, ऐसे क्लियर हैं आपके, काफ़ी क्लियर हैं. आई थिंक द मेंटल वर्क इज काफ़ी अच्छा, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्टेड रहेंगी, क्लियर रहेंगी. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, इट्स जस्ट कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन हैपनिंग. नाउ लेट्स सी फाइनली स्टोरी क्यूब से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू. पाइल थ्री फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. सो पाइल थ्री मैसेजेस फॉर ऑगस्ट. पाइल थ्री ठीक आ गया. ओके, पाइल थ्री मैसेजेस फॉर ऑगस्ट. सो वी हैव दिस, ये एक्चुअली इट्स लाइक एक बच्चा है, उसके पीछे भूत है. ठीक है, सो आई फील लाइक यू गाइज हैव सम फियर्स एंड यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस इज टू फेस्ड मास्क. तो मुझे लगता है कि आप सामने से तो काफ़ी हंसते हो बट अंदर से आपको काफ़ी चीज़ों का टेंशन रहता है, रिग्रेट रहता है, गिल्ट रहता है, वरी रहता है. ठीक है, आपके फियर्स रहते हैं. तो एंड यू नो वी ऑल्सो हैव दिस मून एनर्जी विच इज लाइक मूड स्विंग्स. सामने सामने से आप हो सकता है बहुत स्माइल करते हो बट अंदर अंदर आपकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं. तो शायद उसी लिए यू नो यू बीइंग टोल्ड टू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ सो दैट यू कैन क्लियर एंड क्लेंस एंड काम योर एनर्जी. क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो. ठीक है, आपके अंदर एक साइड है जो कि डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, बट आप उसको कवर कर रहे हो. ठीक है, बट कवर करने इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है, यू हैव टू गेट इट healed, you have to get it treated, you have to confront it, to let it out, let out, बहुत ज़रूरी है let out करना. ठीक है, we also have, you know, we also have a building and a home. So building and a home से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं you are setting some very strong foundation for yourself in August. ठीक है, और ये building and home से मुझे most बहुत importantly लग रहा है कि yes आप अपने घर पर और home पर ध्यान दे रहे हो. अगर आपको घर लेने का है या कुछ रेंटेड अपार्टमेंट भी हो सकता है इन लोगों के लिए. यू फाइंडिंग एन अपार्टमेंट, यू विल फाइंड इट, बट यू लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, यू फाइंड इट. बट आई ऑल्सो फील दैट कि दिस इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग योर ओन फाउंडेशन, बिल्डिंग योर सेल्फ अप. ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कार्ड भी है, सम इम्पॉर्टेंट मैसेज, सम इम्पॉर्टेंट न्यूज इज कमिंग टू यू. ये कोई इन्विटेशन भी हो सकता है, कोई न्यूज़ या कोई लेटर, ऑफर लेटर भी हो सकता है, न्यूज़ या लेटर हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है. वी ऑल्सो हैव दिस एरो विच इज अगेन शोइंग सजिटेरियस एनर्जी एंड पाथ क्लियर हो रहा है आपका, रास्ता क्लियर हो रहा है आपका. ठीक है, आई ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पर एक्चुअली यू नो ऊपर शीप है बट नीचे फायर है. तो मुझे फायर इज़ अट्रैक्टिंग मोर. इट्स लाइक फायर इज़ गिविंग द मैसेज कि आपके अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है यू गाइस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. बट डोंट वेस्ट इट. वी हैव द स्टार, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये फर्स्ट पाइल में आता तो इट वॉज लुकिंग लाइक अ फॉलिंग स्टार, कि एक टूटता तारा है उसको देख के आप विश कर रहे हो. बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट्स टेकिंग फ्लाइट, दिस स्टार इज टेकिंग अ फ्लाइट. तो आई फील दैट यू गोइंग अप नाउ, इट्स टाइम फॉर यू टू राइज अप, इट्स टाइम फॉर यू टू गो अप. एंड सिमिलरली एरो भी, सो इट्स गोइंग अप. सो दोनों ही चीज़ें अप जा रही हैं. सो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर फ्लाइट एंड गो अप एंड यू नो ग्रैब योर चांस बेसिकली. सो या आई ऑल्सो फील वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, लर्न टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ यू गाइज. पाइल थ्री, लर्न टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. आपको ज़्यादा कठोर होकर नहीं बोलना, यू कैन बी वेरी जेंटल एंड पोलाइट एंड ग्रेसफुल विद योर वर्ड्स, विद योर टोन, बट स्पीक अप. ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल थ्री. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू. बाय.